जय माता दी। दोस्तों आप देख रहे हैं धर्म भक्ति। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गुप्त नवरात्रि का महत्व। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों गुप्त नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि साल भर में चार नवरात्रि होती है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा माघ और आषाढ़ मास में भी नवरात्रि आती है। इन दोनों माह की नवरात्रि को हम गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। दोस्तों गुप्त नवरात्रि का महत्व ऐसे इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस माह में अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ की आराधना और ये उपाय करते हैं तो उस पर धन की बारिश होती है। दोस्तों गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माता की उपासना से कई गुना फल मिलता है। आर्थिक समस्या या गरीबी का सामना अगर आप कर रहे हैं लेकिन यदि गुप्त नवरात्रि में कुछ ऐसे उपाय करें तो उनको धन संबंधी समस्या, उनकी गरीबी हमेशा के लिए चली जाती है और जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। तो आखिर कौन से वो उपाय हैं जो कि गुप्त नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए करना चाहिए। दोस्तों माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान रोज शाम के वक्त माँ लक्ष्मी की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही लक्ष्मी सूत या श्री सूत का पाठ करना चाहिए। पूजा के समय दोनों वक्त दोस्तों ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ज्वल ह स ल फट स्वाहा इस मंत्र का कम से कम दोस्तों 108 बार जाप करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी दिन कच्चे सूत को हल्दी में रंग कर पीला कर ले और इसके बाद इसे माँ लक्ष्मी को समर्पित करके गले में धारण करने से व्यक्ति की जो आर्थिक समस्या है वो दूर होती है। स्नान करके प्रतिदिन सुबह माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजन के वक्त माता को लाल फूल चढ़ाएं और इसके बाद सरस्वती वंदना, साथ ही साथ हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से व्यक्ति की विद्या बुद्धि धन संपदा में वृद्धि होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान लाल आसन पर बैठकर माता की उपासना करें। लाल कपड़े में 9 लौंग रखकर पूरे 9 दिन माता के चढ़ाएं। रोजाना दोस्तों कपूर से माता की आरती करें और नवरात्रि समाप्त होने के बाद सारा लौंग लाल कपड़ा में बांध कर सुरक्षित रख ले। इससे धन की समस्या दूर होती है। दोस्तों गुप्त नवरात्रि में दुर्गा की शक्ति पूजा एवं आराधना अधिक कठिन होती है और माता की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। यही कारण है इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और इसका फल जो है कई गुना हजार गुना होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने गुप्त नवरात्रि में धन प्राप्ति के उपाय के बारे में जाना। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।